हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं कोलियस की कटिंग को लेकर सारी ही प्रॉब्लम्स पर, साथ में ही आपको दिखाऊंगी कि आपको अपनी कोलियस की कटिंग लगानी कैसे है, पानी में भी और मिट्टी में भी। साथ में ही रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी जो पिछली वीडियो में हमने कटिंग्स लगाई थी उनके, और साथ में ही आपको बताऊंगी कि आपको किन बातों का ध्यान कटिंग लगाते हुए रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कलर को लेकर। काफी सवाल आ रहे थे कि कलर उनके प्लांट का खराब हो रहा है, नई पत्तियों पर भी कलर अच्छा नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये, अगर आपका प्लांट 6 से 7 महीने पुराना है, स्टेम वुडी हो गई है, या जो चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी जब हमने कोलियस की वीडियो की केयर आपके साथ शेयर की थी, उसमें बात की थी कि जब आपके प्लांट की स्टेम वुडी हो जाए तो उनका कलर जाने लग जाए तो आपको क्या करना है, वो यही कि कटिंग उसकी लगा लीजिए। उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाएगी, उतनी अच्छी बुशी नहीं रहेगी। तो इस बात पर हमने पूरी आराम से बात उस वीडियो में की थी, वही बात आपको ध्यान रखनी है। जब वुडी होने लग जाता है आपका प्लांट, 6 से 7 महीने पुराना हो जाता है, तो कलर जाता है। दूसरा रीजन कलर जाने का हो सकता है कि आपके प्लांट को 2 घंटे की धूप कम से कम ना मिल रही हो। कम से कम 2 घंटे कोलियस को धूप जरूर चाहिए, कंप्लीटली इंडोर ये प्लांट नहीं है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसका कलर जो है वो ग्रीन होने लग गया है, हालांकि इसकी रूट्स जो है वो अच्छी बनी हुई है। कलर ग्रीन होने का रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि ये अब यहाँ अंदर इंडोर रखा हुआ था, कटिंग लगाई थी मैंने, इसीलिए इसको इंडोर छोड़ दिया था, जिसके कारण इसका ये कलर अब हो गया है। साथ में ही मैंने कुछ कटिंग आपको मिट्टी में लगाकर दिखाई थी, और मिट्टी में लगी हुई कटिंग का कलर भी देख सकते हैं चला गया है। रीजन यही है कि ये आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ, छोटी छोटी मैंने क्लिप्स सुबह के टाइम बनाई थी, जहां जहां मेरे ये प्लांट रखे हुए हैं, कटिंग मैंने लगाकर रखी हुई है, वो आपको दिखा देती हूँ। उन पर कितनी धूप लगती है वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले वो। तो दोस्तों सुबह के बजे हैं 9 और आप देख सकते हैं ये कटिंग अच्छी धूप में है। यहाँ पर 7 बजे धूप आ जाती है। ये मेरी छोटी सी बैल्कनी है जिसमें ये रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये 3.5 इंच की ट्रे है जिसमें लगे हुए हैं, और जो ये कटिंग ही लगाई थी मैंने, और काफ़ी अच्छी चली हुई है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी इसमें है। 2 महीने से इसमें ये लगी हुई है, छोटी छोटी लगाई थी, बिल्कुल 4-4 पत्तियों की, और अब आप ग्रोथ देख सकते हैं, 3 गुना ग्रोथ आराम से इनकी हो गई है। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे ये मदर प्लांट पर, यानी जिसकी अक्सर मैं कटिंग लगाती हूँ या आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं क्योंकि इसको यहाँ पर धूप सुबह की 7-6 बजे शुरू हो जाती है, और इसके एक भाग को धूप यहाँ नहीं मिलती है। तो इस तरीके से मैं इसको घुमा देती हूँ, एक दिन एक तरफ धूप मिलती है तो दूसरे दिन दूसरी तरफ धूप मिलती है, दूसरी तरफ धूप मिल जाएगी फिर इस तरफ घुमा दूंगी। इस तरीके से इसको धूप मिलती रहती है, स्टैंड के साइड में रखा है, बड़े पौधों की छाँव इस पर रहती है इसलिए। अब मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, ये मेरी मेन दीवार पर जो ये 2 छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, ये 6 से 7 घंटे की धूप में यहाँ पर रहते हैं। 6 से 7 घंटे की धूप का मतलब दिखाने का यही है कि इनकी चमक इतनी अच्छी नहीं है जितनी चमक आपको पुराने दूसरे प्लांट्स में नज़र आ रही थी, इनकी चमक उतनी अच्छी नहीं है। जबकि ये दोनों ही अपने मदर प्लांट जो मैंने आपको दिखाए हैं उन्हीं से ये भी सेम ही कटिंग लगी हुई हैं, कटिंग यहीं पर लगाई थी, यहीं पर ये चल पड़ी और अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। अब ये मेरी एक ट्रे है जिसमें मैंने सारे ही कलर लगाए हुए हैं, और ये हिबिस्किस का प्लांट है जो ज़मीन में लगा हुआ है, इसकी छाया जो है वो इस ट्रे पर रहती है। जो आप ये वाली देख रहे हैं कटिंग फर्स्ट वाली, इन पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, जिसके कारण उनका कलर आपको दिख रहा होगा। और इन पर जो है इन पर धूप थोड़ी सी, जब सूरज बीच में आ जाता है तो 2 घंटे की धूप, 1.5 घंटे की धूप इनको मिलती है, और ये सारी कटिंग 10 दिन पुरानी है और इनमें सभी में रूट्स बन गई हैं। तो ये छोटी सी ट्रे मैंने सारे ही कलर इसमें लगा रखे हैं, और ये देखिए इसका कलर आपको दिख रहा होगा, ये उसी मदर प्लांट से है, लेकिन कम्प्लीटली छाया में ये कॉर्नर रहता है, इस पर बिल्कुल ही प्लांट की छाया रहती है, जिसके कारण इसका कलर आप
देख सकते हैं। जो बात आपको ध्यान रखनी है, आप शेड में अपने प्लांट को रखे हुए हैं तो एकदम से धूप में नहीं निकालना है, उसको धूप में शिफ्ट करने के लिए यानी कि 2 घंटे की धूप भी आप देने वाले हैं तो धीरे धीरे धूप की तरफ ले जाइएगा। पहले 15 मिनट की धूप 2 से 4 दिन दीजिए, फिर उसको 20 मिनट कर दीजिए, फिर आधा घंटा और फिर घंटा और फिर 2 घंटा। इस तरीके से आप धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएंगे और उसको धूप की आदत डालेंगे, नहीं तो पत्तियां जल जाएंगी। अब बात करते हैं कटिंग को लेकर, तो आप देख लीजिए मैं इसकी रूट्स जो है वो आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए रूटिंग इसमें हुई है और दिन आप देख लीजिएगा वो वीडियो किस दिन शेयर की थी और रूट्स इसमें इतनी बनी है। साथ में ये छोटा भी दिखा देती हूँ, इसमें भी रूट्स बनी हुई है, दोनों में रूट्स अच्छे से बनी है। चलते हैं कटिंग की ओर, यानी कटिंग आपको कैसे लगानी है, ये पानी वाली कटिंग मिट्टी में कैसे जाएगी और आपको नई कटिंग जो लगा रहे हैं वो कैसे लगा सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी कटिंग जो है कोलियस की खराब ना हो। पहले हम ले लेते हैं कटिंग्स और मिट्टी में लगाने के लिए आप छोटी कटिंग लेंगे कुछ इस तरीके की, जिसमें कम से कम 4 पत्तियां जरूर हों। नीचे पत्तियों के थोड़ा नीचे से कट लेंगे कुछ इस तरीके से और आप देख सकते हैं मुश्किल से 1.5 से 2 इंच की कटिंग है, यानी 4 पत्तियों की कटिंग है। तो ऐसी कटिंग आपको मिट्टी में लगाने के लिए लेनी है जो आराम से चल पड़ती है। पानी में लगाने के लिए आपको जो कटिंग लेनी है वो थोड़ी लंबी भी ले सकते हैं, वो लंबी ही ज़्यादा अच्छी चलती भी है। तो लंबी कटिंग लेंगे कुछ इस तरीके की, जिसमें हमें 3 नोड एरिया कम से कम पानी में डिप करने हैं, यानी इतनी लंबी कटिंग हमारी होनी चाहिए, 10 से 12 पत्तियों की कटिंग होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं दोनों कटिंग लेनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिट्टी में छोटी कटिंग ज़्यादा आसानी से चलती है, इसीलिए लंबी कटिंग जब लगाते हैं तो पत्तियाँ ढलक जाती हैं तो आपको लगता है शायद कटिंग नहीं चलेगी और पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो गल भी ज़्यादा जल्दी जाती है। छोटी कटिंग में आप ध्यान रखिएगा पानी आपको उसमें भी ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन ये जो जड़ें हैं वो जल्दी बना लेगी। एक्स्ट्रा पत्तियाँ नीचे की आप हटा देंगे। मिट्टी में जो आप लगाएंगे वो सिंपली आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं या छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। बड़े पॉट में भी ये चल पड़ेंगी, आपको रिप्लेस नहीं करना होगा, यानी जिस गमले में आप लगाना चाहते हैं सीधा उसी गमले में कटिंग को लगा दें। सिंपली हल्का सा आपको नीचे से उसको मिट्टी में दबाना है, जो पत्तियाँ हमने काटी थी वो पत्तियाँ नीचे टच होनी चाहिए मिट्टी से, यानी जहाँ से कटिंग की थी वो एरिया मिट्टी से टच होना चाहिए, वहीं से इसमें रूट्स निकलेंगी। अब बात करें दोस्तों पानी से जो कटिंग हम ग्रो करेंगे पानी में उसको मिट्टी में कैसे ले जाएंगे। अक्सर सवाल आता है कि पानी में जो कटिंग है आराम से चल जाती है लेकिन मिट्टी में जाने के बाद ख़राब हो जाती है। जैसा आप देख सकते हैं पानी का लेवल मेरे ग्लास में जितना है उतना ही आपको मिट्टी में डालना है, यानी जितना पानी में कटिंग डिप थी उतनी ही मिट्टी में भी डिप रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही इसको हम डिप कर देंगे मिट्टी में, यानी उसको मिट्टी में अच्छे से लगा देंगे। यहाँ मैं छोटे गमलों में लगा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप इनको बड़े गमलों में भी लगाइए आराम से, ये चलती हैं। ट्रांसप्लांट करने का या इधर से उधर रीपॉट करने का झंझट इनमें नहीं होता है, सीधा बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। अब बात करें पानी में कटिंग लगाने की, तो सिंपली साफ़ पानी ले लीजिए, पानी आपका साफ़ होना चाहिए। खारा पानी है तो खारा पानी नहीं लेना है आपको, सिंपल सीधा साफ़ पानी जो आप पी सकते हैं वो पानी ग्लास में ले लीजिए। 3 नोड एरिया यानी 3 जहाँ से पत्तियाँ हमने काटी थी वो एरिया पानी में डिप होने चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना पानी में ये डिप है। 3 नोड एरिया वो होते हैं जहाँ से हम पत्तियाँ काटते हैं या जहाँ से पत्तियाँ ग्रो होती हैं, वो एरिया पानी में डिप होना चाहिए। इसमें 3 लगाने से फ़ायदा ये होगा कि पानी में 2 तो ज़रूर डिप रहेंगी, जिसके कारण रूट्स बनने के चांस ज़्यादा होंगे। अब जो काम आपको करना है वो यहाँ पर अपने ग्लास में मार्क कर लीजिएगा, जिससे आपको याद रहे कि पानी का लेवल कितना है, क्योंकि गर्मियाँ हैं पानी सूखेगा और पानी नीचे जाएगा। अगर आप मार्क कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी नीचे चला गया है, थोड़ा सा पानी फिर से डाल दें, 4 से 5 दिन में पानी बदलते रहें। बात हमेशा ध्यान रखिएगा पानी वाली कटिंग का पानी बदलते रहना है और पानी का लेवल भी ध्यान रखना है। मिट्टी वाली कटिंग जो है, मिट्टी वाली कटिंग में हम मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखेंगे, लोकेशन ऐसी हो कि ब्राइट लाइट काफ़ी अच्छी प्लांट को कटिंग्स को मिले।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा और अगर कुछ मुझसे छूट गया है आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, कोलेस की कटिंग लगाइए। बाय बाय।